हेलो गाइस, दिस इज़ गायत्री नेगी, एन इंटर्न इन लेक्सिस एंड कंपनी, एंड यू वॉचिंग लेक्सिस क्लिक. इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट. यानी कि अगर आपकी शादी वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर वॉइड या वॉइड है वॉइडेबल है थर्ड सेक्शन 11 और 12 के प्रोविजन को प्रोविजन के अंदर आती है, अगर उस शादी से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? विल दैट चाइल्ड बी एन लेजिटिमेट चाइल्ड और एन इलेजिटिमेट चाइल्ड? सो सेक्शन 16 इस कन्फ्यूजन को दूर करता है और सेक्शन 16 कहता है कि अगर शादी वॉइड है और बच्चा कंज्यूमेट हो गया है बिफोर पासिंग द डिग्री ऑफ वॉइड मैरिज, तो उस टाइम पर वो बच्चा लेजिटिमेट कहलाएगा. एंड सेकेंड क्लॉज कहता है इसका, अगर वॉइडेबल मैरिज है, वॉइडेबल डिक्लेयर करने से पहले या पिटीशन फाइल करने से पहले बच्चा कंसीव हो गया है या पैदा हो गया है, बॉर्न हो गया है, उस केस में बच्चा लेजिटिमेट कहलाएगा. बट थर्ड क्लॉज इसका कहता है कि अगर उस बच्चे के प्रॉपर्टी राइट्स क्या होंगे, क्या वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा? नो, दैट चाइल्ड विल नॉट हैव द पावर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी, बट येस ही मे और ही इज़ अलाउड टू हैव हिज शेयर इन हिज पेरेंटल प्रॉपर्टी. अगर उसके माँ बाप के थ्रू उनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, दे हैव परचेज दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर ओन अर्निंग्स, वो उस प्रॉपर्टी में उसका पूरा राइट होगा. बट क्योंकि शादी वॉइड थी, अनवॉइडेबल थी एट द इंस्टांस ऑफ पार्टी, उस केस में उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट नहीं होगा. सो सेक्शन 16 इस लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में बताता है, प्लस उनके प्रॉपर्टी में उनके क्या अधिकार हैं इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है वो दूर करता है. इसमें एक फेमस केस लॉ है, क्योटिन वर्सेस कुमार सीताराम मांझी. उसमें ये सेम बात कही गई है कि अगर बच्चा वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से कंसीव हुआ है, उस केस में दैट चाइल्ड विल नॉट हैव दी शेयर ऑन दी एंसेस्टर प्रॉपर्टी, बट ही कैन क्लेम हिज शेयर हिज पार्ट इन हिज पेरेंटल प्रॉपर्टी. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.